अगर टेंसेस की टेंशन को खत्म ना कर दिया ना मेरे भाई आज इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर, तो मैं कसम से कह रहा हूं जिंदगी में कभी इस यूट्यूब चैनल पे दोबारा मत आना, कसम से कह रहा हूं। टेंसेस के कंफ्यूजन को ऐसे दूर कर दूंगा जैसे छोटा सा डिवोर्स पति पत्नी को दूर कर देता है ना, वैसे ये छोटी सी वीडियो आज आपकी टेंशन को बिल्कुल छुमंत कर देगी, कसम से कह रहा हूं। एंड तक देखना, मैं नहीं बोलूंगा शेयर करो सब्सक्राइब करो, ये वीडियो पूरी देख लेना, दिल से कह रहा हूं, खुद ब खुद मन करेगा शेयर करने का, खुद ब खुद मन करेगा सब्सक्राइब करने का। अब एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मेरे को दिल से बताना, सबसे टेंसेस के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के अंदर क्या फर्क होता है, सर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या फर्क होता है, सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस और फ्यूचर के अंदर। अब लोगों ने, या चाहे मैं बुक्स की बात करूं, मैं किसी टीचर की बात है, सब टीचर बड़े अच्छे हैं यार, मैं कह रहा हूं बुक्स ने आपके दिमाग को इन चीजों से भर दिया है कि भैया देखो अब ये ना क्लैरिटी नहीं दे पाती हमें कोई चीज, हमें बस ना अंदाजा लगाना सिखा देते हैं, जो कि अंदाजे से चीजें नहीं होती, अंदाजे से तुक्के लगते हैं। तो तुक्के लगाना अगर आपको सीखना है तो भैया आप बुक्स पढ़ते रहो, टीचर से हेल्प मत लो। और ये वीडियो तो मैं कह रहा हूं बड़ी लाजवाब बड़ी गजब है, मेरे शेर मेरे भाई पूरी देखना। देखो ये सारे कंफ्यूजन आज इस एक वीडियो के अंदर मैं आपकी बिल्कुल दूर कर दूंगा, कसम से कह रहा हूं। देखो इस वीडियो को ना पूरा देख लेना बस। अब मैं ये चीज आपसे पूछने वाला था, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी ये ताता थैया वाले तरीके से तो टेंस नहीं सीख रहे हो ना? दिल से बताना, मैं थोड़ा सा सीरियस हो रहा हूं इस बात पे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई लोगों को ना, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, चाहे फिर वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों, लोगों को इतनी टेंशन तो मैं कह रहा हूं ब्रेकअप की नहीं होती है जितनी स्टेंस की हो रखी है। क्यों हो रखी है? क्योंकि लोगों का फोकस ही रहता है भैया ताते ती रहा है, रहे है, रही है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। इस तरीके से अगर टेंस सीख रहे हो और सोचते हो मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम पास कर लूंगा, आपके सिर पे ना खतरा मंडरा रहा है, ये वीडियो देखना भी बंद कर दो। ऐसे वीडियो जो आपको ताता थैया वाला तरीके से टेंस सिखाती है बिल्कुल नहीं आएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, टेंस होता क्या है? टेंस में देखो, टेंस में ना बहुत सारी आपको डेफिनेशंस मिलेगी, या टाइम और टेंस क्या होता है, इसमें क्या फर्क होता है, क्यों जानना है तुम्हें, तुम्हारा काम है बस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बात खत्म मेरे भाई। देखो टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो टेंस का मतलब होता है भैया हमें करना क्या ना, हमें वे वर्ब्स जो सेंटेंस के अंदर हमें टाइम बता दे। देखो मैंने बोला वे वर्ब्स जो सेंटेंस के अंदर हमें क्या बता दे, टाइम दिखाने का काम करे, वो टेंस है। अब कैसे बोलेंगे आप, मैं बता, देखो अब ये देखो मेरे भाई, मैंने बोला कि बस भैया देखो ये मैंने लिख दिया यहां पे वर्ब, ये पहले लिख रखा ताकि आपका टाइम बच जाए। मैंने कहा वर्ब्स की हेल्प से हमें ना टेंस पहचानना है। देखो हमारा फोकस होना चाहिए वर्ब की मदद से टेंस पहचानना, क्या फोकस होना चाहिए, मेरे साथ बोल, बोल मेरे साथ, तेरे लिए ही बना रहा हूं मैं ये वीडियो यार, तू नहीं बोलेगा तो बता कौन बोलेगा, बोल मेरे साथ। टेंस हमने क्या करना है, वर्ब की मदद से टेंस पहचानना है। क्या करना है मेरे शेर मेरे भाई मेरे चीते मेरे यार, क्या करना है हमें, टेंस में हमें वर्ब की मदद से ना टेंस पहचानना। देखो होगा कैसे, मैंने कहा वर्ब की मदद से टेंस कैसे पहचाना जाए, मैंने इज एम आर लिख दिया ना तो फटाक से मन में क्या आएगा, प्रेजेंट। मैंने वोज वर लिख दिया ना, फटाक से मन में क्या आएगा, पास्ट। मैंने विल लिख दिया ना, क्या आएगा, फ्यूचर। अब ता है ते है ती है रहा है रहे है रही है, ये तो भैया मैं नहीं सिखाता हूं, आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट है चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, किस इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बैठ जाना मेरे भाई, किसी को भी फेस कर लेना, टेंशन की टेंशन नहीं रहने दूंगा। देखो अब आगे देखो, अभी अपना मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैंने कहा था ताते थी थैया थैया वाले से तरीके से हमें नहीं सीखना है और ना हम सीखेंगे। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनना, मैं मतलब मैं करूँ बड़ा गुस्सा आ रहा मेरे को यार, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये टेंसेस की टेंशन को दूर करना बस मेरे को, आपकी टेंशन ही ना रहे। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना, राइटिंग मेरी हल्की सी गरीब है बट समझ में आ जाएगी, एडजस्ट कर लेना। देखो टेंस में मैंने क्या बोला, सर वर्ब की मदद से हमें क्या पहचानना है, वर्ब की मदद से हमें टेंस पहचानना है, क्या पहचानना है मेरे भाई मेरे साथ बोल, वर्ब की मदद से हमें टेंस पहचानना है। कैसे पहचाना जाएगा, देखो ऐसे पहचाना जाएगा, मैंने कहा वो टेंस है चाहे वो टाइम है, ध्यान से देखना अभी मेरी इस बात को, मैंने कहा वो टेंस है चाहे वो टाइम है, और टाइम और टेंस के अंदर कोई फर्क नहीं होता है, ये वीडियो देख लो इसमें समझ में आ जाएगा। अब चाहे टेंस है चाहे वो टाइम है, देखो धरती पे इस दुनिया में टाइम हो चाहे टेंस हो, तीन ही तरह है बस टाइम की। टाइम कितने तरह इसके होता बता दो मेरे को एक बार। एक तो आप बोलेंगे सर पास्ट, पास्ट का तो आपको पता ही है, जो हो गया जो चला गया, समझ रहा चला, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो चला गया तुम्हें छोड़कर चली गया, चला मैं कह रहा हूं जो समय हो मतलब हो गया बीत गया वो भी है ही नहीं, वो क्या है, वो है मेरे भाई मेरे शेर मेरे चीते मेरे यार, वो है पास्ट। एक है मेरे भाई प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट में क्या है अभी, ओके वन सेकेंड,
प्रेजेंट में क्या है भैया, प्रेजेंट में वो चीजें हैं, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट है जो अभी चल रहा है, क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट है मेरे भाई जो अभी चल रहा है। अब यहां पे ना मैं फ्यूचर को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा, मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि फ्यूचर कभी ना होता ही नहीं है, फ्यूचर होता ही नहीं है, आपकी चाहे जिंदगी है चाहे वो टेंस है, फ्यूचर होता नहीं है, बनाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं फ्यूचर होता नहीं है, फ्यूचर बनाना पड़ता है, चाहे वो जिंदगी की बात हो चाहे वो टेंस की बात हो, आपके हाथ में होता है फ्यूचर बनाना, कैसे फ्यूचर बनाना वो भी हम सीख लेंगे। अब मैंने कहा मेरे भाई हमें ना टेंस, देखो टेंस हो चाहे टाइम, कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से, मतलब प्रकार कह रहा हूं, मतलब तीन ही तरह का टाइम होता है, जो चला गया जो है और जो आएगा, उसी तरह से टाइम चला गया है और वो जो आएगा, फ्यूचर बनाना पड़ता है फिर याद रखना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो मैंने बोला कि फ्यूचर बनाना पड़ता है, फ्यूचर बनाने के लिए सिंपल हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्यूचर बनाने के लिए, हमें क्या चाहिए फ्यूचर बनाने के लिए, मैं कह रहा हूं आपको बस चाहिए फ्यूचर बनाने के लिए एक दो चीजें, वो दो चीजें क्या हैं आपको फ्यूचर बनाने के लिए सिंपल, विल और शेल की यूज, शेल का जो है हम यूज करते हैं, विल और शेल का कैसे यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, ये क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आया, वो भी सारी बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको ना थोड़ा सा आगे ले जाने से पहले एक छोटी सी बात और पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, बताना मदर ऑफ ऑल वर्ब्स कौन सी है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो मदर ऑफ ऑल वर्ब्स है ये कौन सी है मेरे भाई बताओ, ये जो मदर ऑफ ऑल वर्ब्स है कौन सी है बताओ, जिसको हम कहते हैं सर ये तो ना सभी वर्ब्स की मदर है, मतलब ये तो माँ है, और माँ का काम क्या होता है, देखो जैसे कभी घर में झगड़ा हो जाए ना तो हमारा झगड़ा कौन सुलझवाता है, मम्मी पापा, राइट, मम्मी ज़्यादातर सुलझवाती है। तो अभी मेरे को बताना जो ये वर्ब्स है, जो जितनी भी वर्ब्स हैं इनकी मदर कौन है, मतलब मदर ऑफ वर्ब्स कौन है कह लो, या मैं कह रहा हूँ किसे कहते हैं या है कौन, देखो मदर ऑफ ऑल वर्ब्स किसको कहते हैं, मदर ऑफ ऑल वर्ब्स कहते हैं मेरे भाई हम बी को। अब इस बी का काम क्या होता है, बी का कार्य क्या होता है, बी का कार्य होता है झगड़ा सुलझवाना, झगड़ा किसका सुलझवाती है ये वर्ब, मतलब जो ये बी है किसका झगड़ा सुलझवाती है, ये झगड़ा सुलझवाती है मेरे भाई टेंस का, टेंस का झगड़ा सुलझवाती है। अब मैं ना जैसे झगड़े की बात अगर मेरे को याद आई तो मेरे को एक छोटी सी चीज, मतलब इंडियन फैमिलीज में पता है क्या होता है, जैसे कभी इंडियन फैमिलीज में झगड़े हो जाए ना तो वो झगड़े सुलझवाने के लिए वो किसी ना किसी को बुलाते हैं, इसी तरह से जब टेंस में झगड़ा हो ना, टेंस में झगड़ा या वर्ब्स में झगड़ा हो, वर्ब टेंस एक ही बात है, टाइम भी एक ही बात है, कैसे है वो समझ में आ जाएगा, टेंस में कभी झगड़ा हो ना या वर्ब्स में कभी झगड़ा हो तो उनकी मम्मी आती है बी, कौन आती है मी, बी आती है। इसी तरह से इंडियन फैमिलीज में पता है क्या होता है, इंडियन फैमिलीज में ये होता है जब कभी झगड़ा हो जाए ना घर पे तो मामा मामी आ जाएंगे सुलझवाने के लिए, बुआ फूफा आ जाएंगे सुलझवाने के लिए। अब मैं कई बार ना सोचने लग जाता हूँ, वैसे सोचने वाली बात भी है, जब मामा मामी के घर पे झगड़ा हो तो उनके मतलब उनके रिश्तेदार उनके झगड़े को सुलझवाने के लिए आ जाते हैं, जब बुआ फूफा के घर पे झगड़ा हो तो भैया उनके रिश्तेदार सुलझवाने के लिए आ जाते हैं, फिर ये सारे लोग मिलके मतलब एक मतलब समझो एक बार इस चीज़ को, ये हर दूसरे का झगड़ा सुलझा देते हैं, अपना घर का झगड़ा इनसे सुलझता नहीं है, ये इंडियन फैमिलीज की बात है। देखो मैंने कहा मदर ऑफ ऑल वर्ब्स क्या है भैया, बी है, झगड़ा सुलझवाती है बी, एक चीज का ध्यान रखना बी क्या करती है, झगड़ा सुलझवाती है, किसका झगड़ा सर, वर्ब्स का झगड़ा, टेंसेस का झगड़ा, टाइम का झगड़ा, कौन सुलझवाता है सर, बी सुलझवाती है। अब देखो अब अपना आ गया मेरे भाई मेरे यार मेरे चीते चीते, अब आ गया अपना नया, अब जो मैं चाह रहा था ना कि मैं आपको सिखाऊं, अब आ गई वो चीज। देखो मैंने क्या बोला था कि सर वो चाहे टेंस हो चाहे वो टाइम हो, मैंने क्या कहा था, चाहे सर वो टेंस हो चाहे वो टाइम हो सर, बस तीन ही तरीके से, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था टाइम टेंस हो चाहे टाइम हो, मैंने कहा था सर कि बस तीन ही तरीके से या फिर तीन ही चीज़ों में हम टेंस और टाइम को लिखते हैं, जैसे हम एक लिखते हैं सर प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट होता है, एक होता है मेरे भाई फ्यूचर। अब ये तीन ही तरह से राइटिंग थोड़ी सी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। प्रेजेंट देखो, अब मैंने जो मैंने बताया था ना कि भैया टेंस हो चाहे टाइम हो, तीन ही तरह से होता है, या तीन ही तरह से धरती पे ही तीन तरह से टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर है। अब मेरे को ये बात बताओ, प्रेजेंट की बात है चाहे वो पास्ट की बात है चाहे फ्यूचर की बात है, इन तीनों समय में काम करने के ना चार चार तरीके हैं, दोबारा बता देता हूं मैं, ये चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट है चाहे फ्यूचर है, इनमें काम करने के तरीके कितने हैं, चार चार तरीके हैं, कितने तरीके हैं,
चार चार तरीके हैं। कितने तरीके हैं? चार तरीके हैं। चाहे प्रेजेंट में काम करो, चाहे पास्ट में काम करो, चाहे आप फ्यूचर में काम करो, काम करने के कितने तरीके हैं? चार तरीके। ध्यान रखना इस बात को, चार तरीके। चार तरीके कौन से हैं मैं लिख देता हूं यहां पे। एक है सिंपल तरीका। कौन सा तरीका है? सिंपल तरीका। फिर बता देता हूं, समय चाहे कोई सा भी हो, पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, काम करने के तरीके कितने हैं? चार चार तरीके हैं हर समय में, चाहे हम पास्ट की बात करें, चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें। अब वो चार तरीके कौन से हैं? सबसे पहला है सिंपल, फिर आ जाता है भैया हमारा कॉन्टिन्यूस। एक कॉन्टिन्यूस तरीका है अपना, जो मतलब दूसरे नंबर का तरीका है। एक तरीका है परफेक्ट का। क्या है? परफेक्ट का तरीका है। एक अपने पास तरीका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो अब अपने, मैंने कहा था ना, चार ही तरीके से काम होता है। आप चाहे किसी भी टेंस की बात कर लो, चाहे पास्ट की, चाहे प्रेजेंट की, चाहे फ्यूचर की, चार तरीके से काम होता है। आज अब मैं आपको ना इस चीज, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में बताने वाला हूं। नोटबुक पेन अपनी अब तैयार रखना। देखो मैंने बोला कि भैया कितने तरह के टाइम होते हैं? तीन तरह के, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों जितने भी जो भी टाइम है, तीन टाइम है, इनमें काम करने के तरीके कितने हैं? चार। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने ना वर्ब्स पढ़ रखी होंगी। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आपने वर्ब्स है ना देखी होंगी, जैसे हम कहते हैं सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो इनके रोल नंबर है। रोल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे सर ये रोल नंबर वन, रोल नंबर टू और रोल नंबर थ्री, इनके नाम क्या हैं? आप बताओ मेरे को इनके नाम क्या बताए आपको? मैं बता देता हूँ। देखो ये जितने भी वर्ब्स की, जैसे मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके इनके नाम देख लो आज। नाम ये कोई नहीं बताता है, ये बुक्स भी नहीं बताती हैं। बस ये बता देते हैं भैया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, इनके नाम क्या है? ये तो रोल नंबर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके नाम देखो। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका नाम है प्रेजेंट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रेजेंट। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या नाम है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम है परफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, जो ये प्रेजेंट वाली जो फॉर्म है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या यहाँ तक क्लियर है? मैंने कहा वर्ब की फॉर्म्स के हमें क्या करना है, हमने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्ब की जो ये फॉर्म्स हैं इनके नाम होते हैं। पहला नाम क्या है भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब, प्रेजेंट का क्या नाम है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट का क्या नाम है? सेकंड फॉर्म। परफेक्ट का क्या नाम है? थर्ड फॉर्म। वी की जो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है जब हम वी फर्स्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा देते हैं ना, एस और ई एस लगा देते हैं, तब बनती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब देखो ध्यान से, मैं अब आ जाता हूँ पीछे। अब मेरे को बताओ ये जो प्रेजेंट है इसका क्या नाम है? बताओ आप बताओ मेरे को, इसका क्या नाम है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो सेकेंड है इसका क्या नाम है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जो मैंने लिखा है ये परफेक्ट, ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे भाई, बस कंटिन्यू देखते रहे, कन्फ्यूजन दूर हो रहा है आपका। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म कौन सी है? सेकेंड। मतलब वी टू कौन सी होती है? पास्ट होती है। वी थ्री कौन सी होती है? बताओ बताओ कौन सी होती है? वर्ब थर्ड फॉर्म होती है। मैंने कहा कंटिन्यूस फॉर्म कौन सी होती है? वी फोर होती है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने कहा कि भैया किसी भी समय में काम करने के चार चार तरीके हैं। कितने तरीके हैं? किसी भी समय में काम कर लो, चाहे पास्ट में, प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, चार चार तरीके हैं। और जो ये तीनों समय हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, चार चार तरीके से काम होता है। और मैंने कहा वर्ब्स के नाम होते हैं। वर्ब के नाम क्या क्या होते हैं? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या नाम है? प्रेजेंट। सेकंड का पास्ट। थर्ड फॉर्म का क्या नाम? परफेक्ट। कॉन्टिन्यूस। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले आज सीखने वाले हैं, अब हम यहीं से शुरू करते हैं सिंपल। अब हम यहीं से शुरू कर देते हैं और ये आ गया अपना भैया काम। अब देखो अब कैसे टेंस की कन्फ्यूजन, टेंस को ना ऐसे मत सीखो, रहा है, रहे है, रही है, सेंटेंस, एक लाइन देखी टेंस पता लग जाए। इस लेवल का जब आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना टेंस को लेकर, तब आप बोलिएगा कि सर हाँ हमने मास्टरी कर ली है। देखो मैंने कहा प्रेजेंट का नाम क्या होता है? फर्स्ट। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी बनेगी वो है सिंपल प्रेजेंट।
सिंपल प्रेजेंट। ध्यान से देखना मेरे भाई, अब यहां पे आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। सिंपल प्रेजेंट, मैंने दोबारा बोलता हूं, सिंपल प्रेजेंट। देखो मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने, हर समय के अंदर काम करने के तीन तरीके, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। मतलब समय जितने भी होते हैं वो तीन ही तरह के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। हर समय में काम करने के चार तरीके होते हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, तीन होती हैं। उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हमने आईएनजी लगा दिया फोर्थ बन गई, एसओरीएस लगा दिया फिफ्थ बन गई। देखो अब ध्यान से, मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ कि भैया बस प्रेजेंट। और प्रेजेंट की फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी होती है प्रेजेंट की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, फर्स्ट फॉर्म मतलब डूडल्स। फर्स्ट फॉर्म मतलब कोई भी, जैसे फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया मेरे भाई, फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। अब मैं आपको पहचान बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पे आपको मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पे आपको मिल जाए, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस मिल जाए, क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे यार, मेरे चीते। सिंपल प्रेजेंट को पहचानने का तरीका देख, ताते ती को भूल जा, ताता थैया नहीं करना। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए या उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस मिल जाए, या यहां पे आपको ध्यान से देखो, या आपको मिल जाए नेगेटिव में या क्वेश्चन टैग में। आपको देखो दो चीजें जरूर मिलेंगी, या तो आपको डू मिल जाए या डज मिल जाए। अब देखो पहचान बता रहा हूं मैं, मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट मतलब अकेली प्रेजेंट। अब ये देखो सुनो ध्यान से, आपको ना कोई नहीं बताता है, टीचर भी पता क्या करते हैं, बस इसका नाम है, बस ऐसे ये ताते ती है, सिंपल प्रेजेंट क्यों पढ़ा मैम इसका नाम, रख दिया है बस, कुकी था बोले रख दिया, जिसने बनाई उसने रख दिया, ऐसे बना मेरे भाई ये सिंपल प्रेजेंट। आपको इस डिटेल से पढ़ा रहा हूं ना मैं, कह रहा हूं पढ़ा लेना चाहिए किसी को। देखो सिंपल प्रेजेंट मतलब बस प्रेजेंट, प्रेजेंट की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म। या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस मिल जाए, या फिर आपको क्वेश्चन में या नेगेटिव बनाते इसमें डू डज मिल जाए, वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस होगा, मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे भाई, बता जल्दी, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पर, ध्यान से देखना, यहीं पर लिख देता हूं मैं, या नेक्स्ट पेज ले, चलो यहीं पर लिख देता हूं। देखो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप इसको बताना। जैसे मैं बोल दूं, मैंने बोला ही meets me on Sunday. अब देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा he meets me on Sunday. मैंने क्या कहा, मैंने कहा he meets me on Sunday. एक बार एक सेकेंड का बस मेरे को समय दे दीजिए बस, मैंने कहा he meets me on Sunday. क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि ही मीट्स मी ऑन संडे। अब मेरे को बताओ मैंने क्या कहा, या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, सॉरी, या मैंने कहा या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस मिल जाए, या डू डज मिल जाए, कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्या मैंने आपको ये बताया कि भैया ही मीट्स मी ऑन संडे, यहां पे ताते ती ढूंढना शुरू कर दो हिंदी बना के। क्यों हिंदी बना रहे हो भाई, जब हिंदी के बिना हमें टेंस आ रहे तो क्यों हिंदी बना रहे हो। मैंने कहा, दोबारा बता देता हूं कि भैया मीट है फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, एस या एस लगा नहीं लगा, लगा है तो ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है मेरे भाई। अब देखो आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं, एग्जांपल से आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला राम डज हिज वर्क इन टाइम, राम डज हिज वर्क इन टाइम। अब मेरे को ये बताओ ये कौन सा टेंस है, जल्दी बता, तू बता जल्दी बता, बता जल्दी बता कौन सा टेंस है ये, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता लगा, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था मेरे शेयर, मैंने कहा था ई एस मिल जाए, जहां पे आपको डज मिल जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, वो कौन सा टेंस होगा, वो सिंपल प्रेजेंट होगा मेरे भाई। कौन सा टेंस होगा, वो सिंपल प्रेजेंट होगा। पहचान यही है, तातेती वाली पहचान नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, देखो मैंने क्या कहा था, ऐसे सीख लो जिंदगी में सिखाने लायक हो जाओ, ऐसे मत सीखो कि तुम हर टीचर से सीखना शुरू कर दो। सिंपल प्रेजेंट की पहचान बी फर्स्ट एस या एस मिल जाए, नेगेटिव या क्वेश्चन टैग बनाओगे तो डू एंड डज मिल जाए, क्या मिल जाए, डू एंड डज मिल जाए, तो वो कौन सा सिंपल प्रेजेंट। अब मेरे को बताओ
अब मेरे को बताओ कि आपको समझ में आ गया कि राम डज हिज वर्क ऑन टाइम, क्या मिला आपको यहां पे? सर हमें तो यहां पे ये मिल गया, एस और एस मिल गया डू के साथ। अब देखो आपको कंफ्यूज ना करके मैं एक और एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, एक और एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको ना समझ में आ जाए। देखो एक और एग्जांपल यहां पे मैं लूंगा, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया सर, अब देखो मैंने एग्जांपल ले लिया आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैंने कहा आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब मेरे को बताओ ये कौन सा टेंस है, बता मेरे से कौन सा टेंस है? सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता लगा? सर मुझे ना ऐसे पता लगा। कैसे पता लगा मुझे ना सर? ऐसे पता लगा यहाँ पे ना सर डू नॉट आ गया, और आपने बताया था सर सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं, जहां पे आपको डू मिल जाए, डज मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस मिल जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? बता मेरे शेर मेरे भाई, क्या यहां तक तेरे को समझ में आ गया? क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस अब आपको बनाना आ गया? अब ये क्या बताओ मेरे को, जल्दी बताओ क्या आपको सेंटेंस, मतलब क्या आपको अब ये बनाना आ गया? क्या अब भी आपको दिक्कत है? क्या अब भी आपको परेशानी है टेंस सीखने में? बताओ, बिल्कुल क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिक के साथ टेंस सीखो तब समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है मुझे पता, आपने देखी होगी राइट। अब यहां पे बात सुनो, अगर आप चाहते हैं ना कि सर एक और वीडियो बने टेंस के ऊपर, एक और वीडियो बने, बिल्कुल बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाके लिखो सर पार्ट टू। पार्ट टू में हम आपको क्या समझाएंगे सर, ये सिंपल कैसे बना, कॉन्टिन्यूस कैसे बना। और ना ऐसे नहीं सिखाते भैया, इंग्लिश ऐसे सीखने से नहीं आती है। रहा है, रहे हैं, इज एम आर के साथ है ना, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आई एन जी लगा दो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन गया। वो इज एम आर कहां से आया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसके साथ क्यों लगी? वोज वर्ब के साथ इज एम आर मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों लगी, आई एन जी क्यों लगा? ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये कोई नहीं समझाता, किताबें नहीं समझाते, बहुत सारे टीचर्स भी नहीं समझाते हैं। अगर समझना चाहते हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखो सर, अभी मैं बताऊंगा। जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट का बता दिया ना, सारों का बता दूंगा लॉजिक के साथ, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हाँ कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू सो मच, बताना मेरे को वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।